दबंगों ने किया शासकीय रास्तों व चरनोई भूमि पर कब्जा, ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। ग्राम पंचायत खुंगकर तहसील कोलारस के सैकड़ों ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दबंग व प्रभावशील व्यक्ति धीरज सिंह रावत, राजू रावत, रिंकू रावत, बहादुर सिंह, कमर सिंह, हुकुम सिंह ने कृषि भूमियों पर जाने वाले शासकीय रास्तों पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। वहीं चरनोई भूमि पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। जब हमने विरोध किया तो दबंग झगड़ा व मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, इसलिए आप मामले में कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग की। नाम है आपका? मेरा नाम है साहब भगवान सिंह। कहाँ से आए हो? खोखर से। कहाँ पड़ता है ये? साहब सीसी के पास में पड़ता है। क्या समस्या लेके आए थे इस कलेक्ट्रेट में? सर हमारा विचार है कि गांव में जो अतिक्रमण किया गया है ना, तो ग्राम को हम अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहते हैं। किसने अतिक्रमण कर लिया? ये धीरज सिंह रावत, रिंकू रावत, राजू रावत, बहादुर रावत, कमर सिंह रावत और हुकम सिंह रावत, इन लोगों ने वहाँ पे अपना कब्जा बरकरार रखा है और बीच बीच में टुकड़ों में रास्तों पे भी कब्जा है। और बहादुर सिंह ने और इनका धीरज सिंह ने और हुकम ने और अजमेर सिंह ने कब से कब्जा किए हुए हैं ये साहब जमीन पे? तो इनका प्रतिवर्ष की माती दबंग लोग हैं इनकी, कोई मतलब वो तो जब भी चाहते हैं जब रास्तों पर कब्जा कर लेते हैं, आदमी को डराते हैं, बहकाते हैं और बागल कर देते हैं कभी, और शासकीय कोई कर्मचारी जाता है तो उसको हटा देते हैं और औरतों से गाली बकते हैं और 3 दिन से लगातार निकलने नहीं दे रहे। और थाने वगैरह में की थी क्या? जी थाने में हमने पहले तो नहीं की सर, अब हम जमीन होगी सर 75-80 बीघा। तो जमीन शासकीय है? शासकीय है सर, शासकीय। एक तो बनग्राम है जो शिवराज सिंह चौहान ने बनाया था, एक खेल मैदान है, उस पर अजमेर सिंह रावत का कब्जा है। मिटा रही दिया खेल मैदान तो बिल्कुल, और इस प्रकार से साहब उनका तालाबों का पानी भी तोड़ते हैं। कितने लोग हैं उनको परेशानी आ रही है? अब जी है साहब 3-4, 7-8 लोग हैं। परेशानी कितने करने आ रही है? परेशानी तो करीबन मानो आपके 100-150 आदमी को है। जब अपनी ज़मीन पे जाता है तो आदमी को परेशानी तो आती है साहब। मेरा नाम दिनेश पाल है, ग्राम खोकर। क्या हो गया, क्या समस्या लेके आए? रावतों कोई दबंग लोग हैं इसलिए मेरे मकानों में आग लगा करके चले गए। इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं साहब मुझको? तो मैं बोर पे रहता हूँ, गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी है मेरे गांव से रहने की। वहाँ पे मेरी टपरा बने थे, उन्होंने आग लगा दी और मेरा नाज भी भर गया, और जो मेरे बच्चों के कुछ पैसे और जेवर थे उनको चुरा के ले गए। मैंने विवाद हुआ था, उन्होंने रास्ता बंद किए थे, हमने कही कि रास्ता खोल दो, मैंने रास्ता नहीं खोले, घर आकर के मारपीट की। तो रास्ता सरकारी था? सरकारी रास्ता था, उसमें करंजा भी लगा था, उन लोगों ने प्लाऊ से करंजा उखाड़ के मकान बनाने के लिए खंडे इकट्ठे करके रखे हैं। कब हुआ था विवाद? संजा के टाइम हुआ था। कितने लोग निकलते हैं उस रास्ते? उस रास्ते से करीबन 200-250 लोग निकलते हैं। तो सभी से? सभी से यही दंगा है सर उनका। मिथिलेश पाल। कहाँ रहते हो? कोंकर में। क्या समस्या लेके आए थे? समस्या लेकर जी आए हैं कि हम कल खेत पे गए थे तो हमें उस निकरा नहीं देते हमारे बच्चे और हम गए थे, उस हम निकरा नहीं देते हम वापस आ गए। मारते हैं मन हमें मारते हैं और ऐसे हम जाते हैं का तो हमें मतलब खेतों पे नहीं जान दी और बुरी बुरी गाली देते हैं और हमारे बच्चे को मारते हैं, स्कूल जाते हैं सुई और हमें भी मारते हैं। कौन मारते हैं? कौन करता है? रावत। तो इन्होंने कोई कब्जा वब्जा किया? कब्जा है उसको, सरकारी पैसा कब्जा भी नहीं कर रखा है। हाँ, और हमारी रास्ता है तो उसमें प्लाऊ कर दिया है और हमारी गाड़ी भी नहीं खुल पाए और हम कचरो मचरो लाते हैं बेसियन को तो वो भी नहीं ला पाए। आपने गाली गलौज की शिकायत थाने में की थी क्या? नहीं सर हमने तो नहीं की। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हो कि हमारी तो हम रिपोर्ट भी कर चाहते हैं और हमारी रास्ता भी खुलना चाहिए। वो करंजा तो पहले हमारा रास्ता भी है, हमारी रास्ता भी मतलब करंजा पटा गए और हमारी रास्ता बंद कर दे सपा और उसकी जमीन छूटेगी, वो नहीं छूटे तो हम तो यहाँ से छिकते नहीं है। जैसा मच्छा हमें